तो आज हम अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर ये 5 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू का कुछ एरिया डिस्कस किया था, तो आज हम फर्दर जो है आगे बढ़ेंगे। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पिक्चर या कोई टेबल वगैरह जो है उसको जब सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर आप माउस कर्सर लेके जाएंगे तो इस तरह का निशान आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा पूरे का पूरा। और इसके अलावा अगर आपके कोई टेक्स्ट है, दिस इज आवर 5th लेक्चर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है तो इसको सिलेक्ट करने के कई तरीके हैं। एक तो आप दरमियान में ला के टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा माउस से आप क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और जितना एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने सवाल किया था तो उसका जवाब देना। तो इस तरह आप कर सकते हैं इसको सिलेक्ट, किसी भी चीज को करना हो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, या पिक्चर या कोई भी और चीज है, टेबल वगैरह है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो उससे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी, उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो। और ये क्लिक करके तो आगे की तरफ सिलेक्शन करेंगे तो जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाए। तो टेबल को हम फर्दर हम एडिट करना सीखते हैं। एक तो हमने कल बॉर्डर लगाना उधर से सीखा था। दूसरा तरीका ये है, आप ये देखिए, ये सामने आ रहा है बॉर्डर का स्टाइल, तो इधर से भी आप क्लिक करके उसके बाद बॉर्डर किस तरह का चाहते हैं ये देखें। ये नीचे वाला हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको ही अगर हम फर्दर करना चाहते हैं लाइक ये पूरा बॉर्डर लग जाएगा, ये देखें। इस तरह आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी इधर ऑप्शन आ रहा होता है। टेबल की तो प्रॉपर समझ आ गई, अब हम तस्वीर की तरफ रुख करते हैं। तस्वीर का भी कुछ मैंने थोड़ा सा बताया था, मजीद आज बता देता हूँ। तस्वीर कोई भी आप ऐड करना चाहते हैं, लाइक जैसे ये है, इसमें कोई भी पिक्चर है, ये ही पिक्चर देख लेते हैं। ये हमने पिक्चर ऐड की है, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमने इसका बॉर्डर वगैरह कल लगाया था और उसके अलावा बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना सीखा था, ठीक है। तो इसमें जो एक चीज़ रह गई थी वो पोजीशन रह गई थी। जिस तरह हम टेबल की पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह तस्वीर की भी कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट के साथ कैसे जो है बिहेव करेगा। लाइक ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रही है, उसके सराउंडिंग में आ रही है, आएगी या नहीं, तो ये इसकी पोजिशन जो है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। इन लाइन विद टेक्स्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट के साथ शुरू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगी, या आप इसकी जो भी करना चाहते हैं आप इधर से आप सेलेक्ट करके तो उसी तरह ये बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप सेंटर में ले आए तो ये पेज के सेंटर में आ गया, ये इधर रखेंगे तो ये साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको खुद एक्सप्लोर करेंगे फर्दर करके, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बिहेवियर होते हैं। और अब हम चाहते हैं ये देखें, हम टेबल के ऊपर ले गए वो टेबल छुप गया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये बैकवर्ड पे चली जाए, ये देखें, तस्वीर को हम बैकवर्ड पे करते हैं और टेबल को हम क्लिक करके इस तरह, एक सेकंड, ये क्यों नहीं कर रहा, ये तस्वीर को हमने सेलेक्ट किया, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, सॉरी टेबल क्यों नहीं कर रहा, बिहाइंड द टेक्स्ट, ये देखें इधर से कर लेते हैं। अब वो टेक्स्ट की बैक साइड पे चला गया, वो जो हमारा इमेज था वो एज टेक्स्ट बैकग्राउंड जो है वो चला गया, ये देखें, ये इसमें आए रैप टेक्स्ट में, इसके अंदर ये बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो बाकी सब चीजों के सामने आ जाएगा, बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो वो पीछे चला गया, टॉप बॉटम करेंगे तो ये टॉप पे या बॉटम पे टेक्स्ट के जो है वो उधर बिहेव करेगा, थ्रू करेंगे तो ये देखें ये थ्रू है, ठीक है, कि टेक्स्ट के दरम्यान में आ जाएगा। तो ये आप बाय क्लिक करके जो है हर दफा उसको चेक भी कर लेंगे और ये आपको समझ आ जाएगी जब आप खुद अपने हाथ से करें। इसी तरह टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं, ये देखें टॉप अलाइन है, मिडल अलाइन है, ये आप इधर से क्लिक करके तो उसको आप अलाइन बॉटम भी ले जा सकते हैं, अलाइन बॉटम कर देंगे वो बिल्कुल पेज के एंड पे आ जाएगा, अलाइन टॉप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके इसके डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं इमेज की, ये आप इधर से सेलेक्ट करके अपने
मर्जी के मुताबिक जैसे आपको रिक्वायर्ड है आप इमेज को सेलेक्ट अलाइन कर सकते हैं अपने पूरे पेज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज़ आती है रोटेट की, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि इसको फ्लिप कर दूँ 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे अगर करना चाहूँ तो ये देखें फ्लिप हो रहा है। ये वर्टिकल करना चाहता हूँ तो इमेज वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजेंटली करना चाह रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली हो रहा है, बिल्कुल फ्लिप हो रहा है पूरा, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आप इमेज आपके पास कोई, अक्सर हम तस्वीर बनाते हैं मोबाइल में तो वो मतलब लैंडस्केप बनाई होती है तो उसको हम रोटेट करके सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शन है रोटेशन के। उसके अलावा आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला एरिया चाहिए, बाकी एरिया डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कॉर्नर्स बन गए हैं, ये कॉर्नर्स बन गए हैं। तो इन कॉर्नर्स से आप ये देखें ये जितना एरिया आपको चाहिए ये देखें, बाकी एरिया जो है खत्म हो जाएगा। तो ये जैसे ही खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो बाकी इमेज खत्म हो गया है और जस्ट जो आपका फोकस एरिया वो क्रॉप हो गया, इमेज छोटा रह गया, मतलब एक पार्ट आपने रख लिया बाकी आपने डिस्कार्ड कर लिया। यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो, एनीवन सर क्लियर क्लियर है, सर है? ग्रेट, क्लियर है। ठीक है। ये देखें अगर हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड दबा के वो खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रॉप खत्म हो गया। उसके अलावा इसका विड्थ और हाइट जो है वो आप खुद भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको डॉक्यूमेंट में कितने साइज का वो इमेज चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा तो उसकी हाइट जो है ना 2 नॉर्मली इंचेस में होता है, ये तो 2 इंचेस का हो गया। और उसकी डेप्थ जो है सॉरी विड्थ जो है वो भी आप 2 कर दें तो ये देखें ये इमेज छोटा हो गया, बजाय इसके आप इधर से पकड़ के ड्रैग छोटा बड़ा करें, ये देखें इधर से भी हो जाता है। आप इधर से डायरेक्ट साइज भी दे सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में इमेज की कितना जो है आपने जगह छोड़ी हुई है, तो उसके मुताबिक आप खुद से हाइट और विड्थ दे सकते हैं। इसके अलावा ओके, तो इसके बाद जो है इंसर्ट में जाएंगे तो फर्दर जो चीजें हैं ये ऑनलाइन पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इधर तक समझ आ गई सब? यस सर, एक जवाब आ रहा है, बाकी सबको नहीं आ रही सर समझ या बाकी बोलना नहीं चाह रहे? जी सर आ गए समझ। दीला आपको आवाज नहीं आ रही? अदीला को आवाज नहीं जा रही। अदीला अच्छा, चलें ठीक है, ये हो गया इधर तक। उसके अलावा ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो आप इधर से सर्च करें जो भी इमेज जिस तरह का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए पाकिस्तान, तो ये देखें ये आपने सर्च किया तो पाकिस्तान फ्लैग आ गया, तो ये ऑनलाइन भी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इंसर्ट पे गए, ऑनलाइन पिक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल हमें रोबोट की पिक्चर चाहिए, हमने इंटर किया, ये देखें ये रोबोट की पिक्चर्स आ गई, हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ये ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट चलता हुआ लाजम है, आपके पास नेट चल रहा होगा तो आप ऑनलाइन पिक्चर इसमें ऐड कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये शेप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, ये देखें। लाइक आप इसमें रेक्टेंगल शेप है, सर्कल शेप है, और ये आपके पास ये त्रिकोण बनी हुई है, ट्राइंगल ये है, बाकी एरो हेड्स हैं, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस, ठीक है। ये आप सारी इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखें जो भी शेप आप करना चाहें, और क्लिक करके रखेंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये इस तरह सामने, ठीक है। ये आप मुख्तलिफ शेप्स हैं, इनको आप करके देखिएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये देखें ये इस तरह,
ये मुख्तलिफ शेप्स आप जो है खुद से कीजिएगा, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी हम फर्दर सीखेंगे इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी तक के लिए मेरे ख्याल ये काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ वो लोग भी हैं जो पहले कंप्यूटर से ऐसा सिमिलर नहीं है, तो हमने उनको भी साथ लेके चलना है, तो हम ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें जब उनको समझ आने लग जाएंगी। उसके बाद ये स्मार्ट आर्ट है एक, आप इस तरह की शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट में, तो आप ये मुख्तलिफ शेप्स मौजूद हैं, ये देखें आपने इसको क्लिक किया और ये देखें ये शेप आ गई, और इनके डिफरेंट पोजीशन है। अब ये इसको क्लिक किया हुआ है तो ये देखें इधर इधर लिख देते हैं 1, ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, इधर कर देंगे 2, ठीक है, और इसके अलावा ये एरिया है इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो ये देखें ये साथ ये सिलेक्ट हो गया, ये 2.2, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे ये देखें उधर ये सिलेक्ट हो गया, तो इधर हम 3 कर देंगे, और ये इसको सिलेक्ट किया तो इधर हम ये सिलेक्ट हो गया 3.3 कर देंगे, इधर ये इसको किया तो ये सिलेक्ट हो गया 1.1, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये देखें इस पे आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आप हायरार्किकल लिस्ट बनाना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, ये देखें उस तरह की बन जाएगी, ये देखें कोई पैरामिड बनाना चाहते हैं तो पैरामिड बन जाएगा। इधर से आप डिफरेंट स्टाइल जो है वो ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये फर्दर उसकी फॉर्मेटिंग ये देखें उसको आप फॉर्मेट फर्दर इधर से भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह का डिज़ाइन आप को रिक्वायर्ड है आप इधर सेलेक्ट करके और बनाते जाए, ये लें, ठीक है। तो उसके बाद चार्ट्स हैं, चार्ट्स हम कल बनाना सीखेंगे, आप आज जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें सबकी, तो जो इसमें आपको मुश्किल लगती है वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ लें, या वैसे आप जो है मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इससे आगे मूव करेंगे, और ये आप लोग सेम जैसे पहले प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करके तो मुझे आप सेंड करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम जो है फर्दर नेक्स्ट जाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।